न्याय नहीं अधिकार चाहिए, न्याय स्वतः मिल जाएगा। और मनुवादियों समझ जाओ, बहुसंख्यक आगे आएगा, बहुसंख्यक के आगे आएगा। क्योंकि माननीय साहब कांसीराम ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जनगणना के बाद में उनको ओबीसी के हक अधिकार मिल जाएंगे और इस देश में भाईचारा पनपेगा। एक शोषणकारी वर्ग है और एक वर्ग है जिसका शोषण सदियों से होते आ रहा है। ना जनगणना हो जाए तो जो घाटा क्या है, जो पता तो पड़ जाए कौन कहाँ खड़ा हुआ है। हिंदू राष्ट्र ये लागू कर सकते हैं, इनकी इतनी हिम्मत है? मनुवादी सोच तो सबसे निकृष्ट और सबसे पाखंडी सोच है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय मैं रामलीला मैदान में हूँ। जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा इस देश में बनता जा रहा है और इसी की तस्वीर हमें बिहार में देखने को मिली है, जहां पर जातिगत जनगणना शुरू भी हो गई है। और अब देश का तमाम ओबीसी वर्ग है वो इसको लेकर बड़े बड़े आंदोलन कर रहा है और उसी आंदोलन की झलक हमें रामलीला मैदान में आज देखने को मिली है। यहां पर तमाम ओबीसी संगठन यहां पर आए हैं और ओबीसी का महाकुंभ यहां पर लगा है। तस्वीरों में ये भी था कि SC ST ओबीसी माइनॉरिटी, ये चार जो हैं तमाम, इस तरीके के पोस्टर भी यहाँ पर लगे हुए थे। लेकिन बेसिकली जो है यहाँ पर जातिगत जनगणना को लेकर तमाम लोग आए हैं। क्या कहेंगे सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमेंद्र है। देखिए, इस देश में आप देख रहे कि जानवर, भेड़, बकरियों की जनगणना हुई लेकिन इंसान की जनगणना नहीं हो रही है, जबकि वो उसका मौलिक अधिकार है। और इस देश में जो लोग जितने हैं, अगर आप भारत के रहवासी है, भारत के निवासी है, तो ये तो पता होना चाहिए कि भारत में शेड्यूल कास्ट कितना है, शेड्यूल ट्राइब कितना है। और शेड्यूल कास्ट की भी जनगणना हो रही है, शेड्यूल ट्राइब की भी जनगणना हो रही है, तो ओबीसी की ही क्यों जनगणना नहीं? जबकि जो ओबीसी है आप देख रहे हैं कि ये कांग्रेस और बीजेपी को जो सरकारों में ला रहा है, या कांग्रेस बीजेपी का धर्म के नाम पर यूज कर रही है, जाति के नाम पर यूज कर रही है, कौन है? ये तो सब ओबीसी है ना। तो जो ओबीसी आज इन्हें सरकारों पे सत्ता में बिठा रहा है उसके साथ में कितनी नाइंसाफी कर रही है सरकारें। तो हमारा मानना है कि इस देश में ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए और ये उनका मौलिक अधिकार है, क्योंकि हम मानते हैं, क्योंकि माननीय साहब कांसीराम ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और आप देखिए, रातों रात EWS अगर बात आती है कि आप अगर कहते हैं कि क्या समानता इसमें एक सब खत्म कैसे हो जाएगा, ये बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो EWS रातों रात आप चालू हो रहा है, स्क्रिप्ट रात में लिखी जाती है, सेकंड डे लोग तो ये आरोप लगाते हैं ना कि आप लोग जातिगत जनगणना जो है करके जातिवाद को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि देश में सब समान है। देखिए, इस देश में शेड्यूल कास्ट 15% है, शेड्यूल ट्राइब 7.5% है, ये कैसे कहाँ के आंकड़े हैं? ये आपका जनगणना हो रही है इसलिए तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के वो मिल रहे, आंकड़े मिल रहे ना। या फिर उत्तर प्रदेश में कितने शेड्यूल कास्ट है, कितने शेड्यूल ट्राइब है, कितने पासमंद है, कितने माइनॉरिटीज़ है, कितने ओबीसीज़ है, ये तो सरकार की जवाबदारी है ना। क्या वो ओबीसी इस देश का भेड़ बकरी है, या फिर इनको सिर्फ वोट लेने के लिए सिर्फ ये लोग इनका इस्तेमाल करते हैं? तो ओबीसी और ओबीसी अभी जाग गया है अपने हक अधिकारों के लिए और ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। और आज आप लोगों ने देखा भी है, और आज ही नहीं पिछले 6-7 दिसंबर को रामलीला मैदान, इसी मैदान में यही आंदोलन। क्या बदल जाएगा सर जनगणना के बाद, जो है क्या बदल जाएगा? देखिए, इस देश में अगर जनगणना होती है तो हमने जैसे बोला कि जिसकी संख्या जितनी भारी उसको उतनी हिस्सेदारी, तो जनगणना के बाद में उनको ओबीसी के हक अधिकार मिल जाएंगे और इस देश में भाईचारा पनपेगा। इस देश में जो संविधान, हम लोगों का संविधान है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता, न्याय के आधार पर, तो उन्हें न्याय मिल जाएगा, समता की भावना आ जाएगी, बंधुत्वता, भाईचारा आ जाएगा। तो ओबीसी को ऐसा क्यों है, सरकार ऐसे क्यों मजबूर है कि उनका जातिगत जनगणना नहीं करा रही है? हम चाहते हैं सरकार सभी के साथ इंसाफ करे, सभी के साथ न्याय करे, सभी के साथ। क्या बदलने वाला है जनगणना के बाद? मेरा नाम बुद्धिनाथ प्रजापति है, मैं पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव तथा हमारा जो सामाजिक संगठन है न्याय मंच उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। देखिए, भारत में एक शोषणकारी वर्ग है और एक वर्ग है जिसका शोषण सदियों से होते आ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने
बड़ी उम्मीद के साथ भारतीय संविधान की रचना की और उसमें व्यवस्था बनाई कि जिनका शोषण सदियों से होते आ रहा है उनका शोषण समाप्त करने, ओबीसी का शोषण हो रहा है, आज़ादी के बाद तो ओबीसी का ही ज़्यादा शोषण हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं, ओबीसी वर्ग आज एक भी व्यक्ति, शायद एक व्यक्ति होगा देश के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में एक जज नहीं है, विभिन्न हाई कोर्टों में ओबीसी के जज नहीं है, शासन प्रशासन में ओबीसी के लोगों की जितनी भागीदारी होनी चाहिए वहाँ नहीं है, ओबीसी वर्ग के लोग के हाथों में बिजनेस व्यापार नहीं है, ओबीसी वर्ग के लोग मेहनत मजदूरी और श्रम करके किसी तरीके से जी रहे हैं, शिक्षा का अभाव है, आय का अभाव है, स्वास्थ्य सुविधाएं उनको अच्छी नहीं मिल पा रही है, सबसे बुरा हाल अगर आज भारत में है तो ओबीसी वर्ग का। जनगणना के बाद ये सब सुधर जाएगा, जातीय जनगणना होगी, पता चल जाएगा कि ओबीसी वर्ग की संख्या कितनी है और इस समाज की हिस्सेदारी शासन सत्ता संपत्ति में कितनी होनी चाहिए वह भी तय हो जाए। तो मतलब जनगणना के बाद पूरा खेल करेंगे 2024 का। जनगणना के बाद ओबीसी वर्ग की स्थिति सुधर जाएगी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पे। और मैं एक बात स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूँ कि जितने भी पढ़े लिखे बेरोजगार युवा ओबीसी वर्ग के हैं, अगर जातीय जनगणना हो जाती है तो एक भी ओबीसी वर्ग का बेरोजगार युवा बेरोजगार नहीं रह पाए। कहाँ बेरोजगार युवा हैं, तमाम तो जाते हैं मंदिरों में कावड़ उठाने जाते हैं ओबीसी के लोग, धर्म जाते हैं नहीं जाते हैं, धर्म की बात अलग है, हमें समाज तो अम्बेडकरवादी होना पड़ेगा ना आपको। हम अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर के विचारधारा कहने और दिखने में अंतर है ना सर। हमारा लड़ाई सामाजिक न्याय की है, जाति जनगणना होगी, सामाजिक स्थिति ओबीसी वर्ग की क्या होगी वो पता क्या है वो पता चल जाएगी और उसी के अनुसार ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए आरक्षण सुरक्षित किया जाएगा और उन्हें सारा प्राइवेटाइजेशन हो गया। आपको पता है सारा प्राइवेटाइजेशन रिजर्वेशन तो वैसे ही खत्म हो गया, प्राइवेटाइजेशन सब कोई चीज़ होती तब तो आप आवाज़ उठाते नहीं। हमें प्राइवेटाइजेशन में भी हिस्सेदारी मिलेगी अगर ओबीसी वर्ग की जाति जनगणना हो जाती है और ओबीसी वर्ग एससी एसटी ओबीसी वर्ग मिल करके जब 2024 में अपनी सत्ता बनाएंगे दिल्ली में। जी, जातिगत जनगणना को लेकर जो शोर हो रहा है पूरे देश में, बिहार में इसकी शुरुआत भी हो गई है, तो ऐसा क्या मिलने वाला है जातिगत जनगणना? न जनगणना हो जाए तो उसमें घाटा क्या है, जो पता तो पड़ जाए कौन कहाँ खड़ा हुआ है, तो जनगणना होनी चाहिए क्योंकि जितना भी भेदभाव है ना ये जाति की वजह से ही है, जो तो पता तो पड़े हम अंगूठा काट लिया था। हाँ तो ये होनी चाहिए। एकलव्य का अंगूठा काट लिया था, क्यों काटा था आप बताइए ना, क्यों काटा था? वो तो गुरु दक्षिणा थी सर। गुरु दक्षिणा थी नहीं, उसको एक वो हैंडीकैप बनाने के लिए, एकलव्य के बराबर कोई धनुर्धर नहीं था। जब ये पता लगा कि ये उससे है तो उसका अंगूठा काट लिया, यही तो मेंटलिटी चल रही है। तो ये तो पुरानी बातें हैं, लेकिन ये बहुत पुरानी नहीं है, वही चल रहा है। आपका कहने का मतलब तरीके बदल गए। तो जातिगत जनगणना से ये सब अंगूठे कटना बंद हो जाएंगे? नहीं, जातिगत जनगणना से कुछ नहीं होगा, एक प्रपोर्शन मिल जाएगा भाई, 15% ही बैठे हुए हैं और 85% खाली हैं, जातिगत जनगणना से ये होगा। लड़ाई बढ़ेगी? बढ़ेगी लड़ाई, और बढ़नी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? मैं देहरादून उत्तराखंड से आया हूँ, मेरा नाम कल्याण सिंह नंदवंशी है, मैं उत्तराखंड देहरादून से आया हूँ और ये सामाजिक न्याय की लड़ाई उत्तराखंड में बहुत ही ज़ोरदार तरीके से मैं लड़ रहा हूँ। हमारी SC ST और OBC की तमाम संगठन, तमाम हमारी मैं जाति शब्द तो इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि मैं जमात की बात करता हूँ, मैं यहाँ के से बहुत प्रेरणा लेके जाऊँगा देहरादून में। और देखिए, जातिगत गणना तो नितांत आवश्यक है। क्या बदलेगा सर इसमें? बहुत कुछ बदलेगा, बहुत विकास कार्य होंगे। क्या होगा? हम शोषित वंचित समाज है, हमारा ओबीसी कौन है? ओबीसी शोषित वंचित है, ओबीसी SC ST बहुजन समाज। सर मैं अभी तो आप ओबीसी की जाति जनगणना की बात कर रहे हैं ना? हाँ, तो ओबीसी तो सभी पिछड़ी जातियां हैं और ओबीसी के तो क्योंकि आज तक 1931 सबसे ज्यादा जमीनें तो ओबीसी के पास है, 1931 के बाद जातिगत जनगणना ही नहीं हुई। और मैं ओबीसी के अति पिछड़े वर्ग से संबंध रखता हूँ, अति पिछड़ा वर्ग तो कहीं ठहरता भी नहीं है, कई बार ओबीसी का जो अगड़ी जातियां हैं ओबीसी की वो खुद शोषण कर रही हैं ओबीसी की, अति पिछड़े वर्ग की।
तो जनगणना होने से खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म होगा। ओबीसी जो एससी पर करता है 45% है हमारी पॉपुलेशन ऑल ओवर इंडिया में अति पिछड़े वर्ग की 45% है। हमारी 45% की जिस दिन ताकत दिखाई दे जाएगी सब आदमी अति पिछड़े वर्ग के साथ पीछे लगेंगे। उसमें एससी समाज हो एसटी समाज हो सारा हमारे पीछे लगेगा जो अति पिछड़ा वर्ग है भारत का। लेकिन देश में तो शोर चल रहा है ना हिंदू राष्ट्र का, तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो राष्ट्र तो सवाल ही पैदा नहीं होता इनका। ये हिंदू राष्ट्र ये लागू कर सकते हैं? इनकी इतनी हिम्मत है? हम इन्हें चुनौती देते हैं? हम इन्हें जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, जो हमारे आरएसएस पोषित जो पॉलिटिक्स राजनीति चल रही है, हम चुनौती देते हैं? हिंदू राष्ट्र में दिक्कत क्या होगी सर? सब कुछ सब समान हो जाएंगे? नहीं, कोई नहीं, क्यों समान नहीं होंगे? हमारा शोषण तो हिंदू राष्ट्र मनु स्मृति के द्वारा ही हुआ है, मनुवादी सोच के द्वारा ही हमारा शोषण हुआ है। ये क्या थी मनुवादी सोच? तो सबसे निकृष्ट और सबसे पाखंडी सोच है। उसने तो समाज को तहस नहस कर दिया। हमें आज़ादी के बाद वास्तव में आज़ादी नहीं मिली है हमारे, और हमारा अति पिछड़ा वर्ग तो बिल्कुल ही दयनीय स्थिति में है। उसकी तो कोई कहीं सुनवाई नहीं है। हमारा कोई विधायक नहीं है, हमारा कोई सांसद नहीं है, हम तो केवल वोट देने वाले हैं। ये हमें बेवकूफ बनाते आ रहे हैं, पागल बनते आ रहे हैं हम। अब हम अपने जनगणना से खत्म हो जाएगा सर? बिल्कुल खत्म होगा जनगणना से खत्म हो जाएगा कुछ और जी कि न्याय नहीं अधिकार चाहिए, न्याय नहीं अधिकार चाहिए, न्याय स्वतः मिल जाएगा। और मनुवादियों समझ जाओ बहुसंख्यक से आगे आएगा, बहुसंख्यक के आगे आएगा। जी हाँ, तो बहुसंख्यक आगे आएगा, बहुसंख्यक आगे आएगा ऐसी उम्मीद है। और इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 में ये बहुजन समाज, जिसको हाथी बोला जाता है, जिसको तमाम संज्ञाएं दी शेर बोला जाता है इसको, ये जागेगा और जब ये दहाड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि सत्ता में ये ज़रूर खड़ा होगा। और तमाम वो शोषित पीड़ित वंचित लोग जो आज भी आस लगा कर बैठे हुए हैं कि कोई ना कोई बाहुबली आएगा, जो कटप्पा और तमाम जो आपने मूवी देखी थी जिस तरीके से उन लोगों को निजात दिलाता है, तो शायद वो बाहुबली इन लोगों को भी निजात दिलाएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।